अक्टूबर 2023 के बाद से ही इजरायली फौज गाजा में डटी हुई है, लेकिन अभी तक वो गाजा से हमास का सफाया नहीं कर पाई है। उल्टा इसराइल अब चारों तरफ दुश्मनों से घिर गया है। लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूहों ने इसराइल को चारों तरफ से घेर रखा है। वहीं हिजबुल्ला तो अब उसकी चौखट तक आ गया है। हिजबुल्ला के हमलों की वजह से पूरा उत्तरी इसराइल करहा रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला है। हिजबुल्ला ने रेवाइया बैरिक्स पर नॉर्दर्न कमांड के 128वीं आर्म ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ कतरूशा रॉकेट्स फायर किए हैं। और जब ये हमला हुआ तो अल जाली, गोलन, कफरब्लम, आमिर, केला, शालबीत, हिलेन और किरायश शमोना जैसे सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इसके बाद हिजबुल्ला ने शलोमी में इजरायली सैनिकों के ऊपर कई राउंड गोला बारूद फायर कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका यह हमला सीधे टारगेट पर हुआ था, जिसकी वजह से शलोमी में सायरन बजने लगे थे। हिजबुल्ला की माने तो उसने सीरियन गोलन में 210वीं रीजन डिवीजन की सहायक इंटेलिजेंस बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने ऐसा ही हमला यार्डन बैरिक्स में भी किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसका ये ड्रोन सीधे आईडीएफ के जमावड़े वाली जगह पर गिरा, जहां पर इजरायली सैनिक और अधिकारी ठहरे हुए थे। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने गोलन इलाके में 2 ड्रोन फायर किए, जिसमें आईडीएफ के 3 जवान घायल हो गए। और जब ये ड्रोन आईडीएफ के एयर डिफेंस को चीरते हुए इसराइल में दाखिल हो रहा था, उस वक्त किसी सेटलर ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ड्रोन इसराइल में तेजी से घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इन हमलों को लेकर इसराइली मीडिया हाउस केन का कहना है कि 15 सितंबर 2024 को हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन और रॉकेट बरसाए हैं। इन हमलों के बीच 15 सितंबर को ही हिजबुल्ला ने सुबह करीब 6:45 पर फर्स्ट व्यू ड्रोन से आईडीएफ की अल मलकिया साइट पर कई सैन्य उपकरण उड़ा दिए और इसके करीब 1 घंटे बाद मैतुल्ला साइट पर फिर से हिजबुल्ला ने एक ऐसा ही ड्रोन फायर कर दिया, जो सीधे आईडीएफ के जवानों पर जा गिरा। हिजबुल्ला का कहना है कि दोपहर में उसने रुईसत अल आला मिलिट्री साइट पर आईडीएफ के कई जासूसी उपकरण उड़ा दिए हैं और इसके बाद शाम 5:15 पर हिजबुल्ला ने रामिया मिलिट्री साइट पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी है, जिसमें इजरायली सेना के जासूसी उपकरण बर्बाद हो चुके हैं।